सपा बसपा नेताओं के लिए एक बुरी खबर आ रही है। गौरतलब है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गैर कानूनी रेत खनन मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में कई समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय फिलहाल इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भूमिकाओं को लेकर भी जांच कर रही है। इससे पहले सीबीआई ने केस दर्ज करते हुए आशंका जताई थी कि 2012 से लेकर 2014 के बीच 4000 करोड़ रुपए का अवैध रेत खनन किया गया है। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 2012 से 2014 तक खनन मंत्रालय अखिलेश यादव के पास था। खनन घोटाले में अखिलेश यादव पहले से सीबीआई के रडार पर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और सीबीआई के साथ मिलकर इस मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। ईडी के मुताबिक वो पैसे के लेन देन, बैंक अकाउंट की जानकारी इत्यादि खंगाल रहे हैं ताकि अभियुक्तों के खिलाफ पुख्ता सबूत तैयार किए जा सके। ईडी जल्द इस मामले में आरोपियों से पूछताछ भी करने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक खनन घोटाले में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनके नाम है समाजवादी एमएलसी रमेश मिश्रा, पार्टी कार्यकर्ता दिनेश मिश्रा, राम अवतार सिंह और करण सिंह, बीएसपी नेता अंबिका तिवारी, सत्यदेव दीक्षित और संजय दीक्षित और आईएएस ऑफिसर बी चंद्रकला।